तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्मी दूध डेयरी फार्म में। आज हम आपको बताएंगे हमारे डेयरी फार्म के पूरे दिन के रूटीन के बारे में और हमारे डेयरी फार्म पे गायों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे डेयरी फार्म पे अभी कुल 36 जानवर है, जिसमें से 19 गाय है, 9 गाय इधर की साइड बंधी हुई है, एक भैंस है, 10 गाय इधर की साइड बंधी हुई है, और बाकी जो है वो गाय के बच्चे और बच्चियाँ हैं, आपको वो भी दिखा देते हैं। ये 2-3 इधर बंधे हुए हैं और बाकी को हमने इधर खुले में छोड़ रखा है। ये जो बच्चे हैं ये 1 साल के अभी अंदर ही हैं, 1 साल से बड़े नहीं है। ये 2 जो है ये 1 साल के ऊपर है, इनके लिए इनको 2 को बांध के रखा हुआ है, बाकी जो बच्चियां हैं इनको छोड़ा हुआ है। इनके लिए पूरी आसपास एक बाउंड्री बनाई गई है, आप देख सकते हो ये इतने खुले मैदान में पूरे दौड़ सकते हैं, जिनसे इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इनकी पानी पीने की व्यवस्था इधर भी है, इसके अंदर चूना डाला गया है जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, और चूना गायों के लिए भी अच्छा है। इधर पीने की सुविधा है, गायों के लिए भी ऐसा ही बना हुआ है अंदर डेयरी फार्म के, और बच्चियों के लिए जो छोटे हैं उनके लिए उधर है और जो बड़े हैं उनके लिए इधर है। गाय कितना भी पानी पिए इसमें पानी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ऊपर टंकी लगी हुई है, ये पानी पिएंगी तो वापस इसमें पानी आ जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हो गायों के लिए भी हमने ये बना के रखा है, जिसमें गाय की जब इच्छा होती है तब पानी पी सकती है। 2 एक इधर है एक उधर है, इसके बीच में 2 गाय बंधी हुई है, वो गाय उधर पानी पी सकती है, ये इधर पी सकती है। इससे दूध की मात्रा भी बढ़ती है दूध देने की, क्योंकि गाय को जब प्यास लगती है तब पानी पीती है, गाय में पानी की कमी होती नहीं है, तो दूध की मात्रा बढ़ती है। आपको बता दूं इसका लेवल जो बाहर की साइड है, गायों उधर गाय जब भी पानी पीती है तब ये जो बोल है ये नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी तो पानी इसके अंदर से आएगा। तो किसान भाइयों, इसकी आपको फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, मैं इस चीज़ की पूरी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे बना ये। तो आप देख सकते हैं गायों के नीचे ये सीट लगाई गई है हमने, जिससे गायों के पैर में सूजन वगैरह, गाय को खुर में कोई दिक्कत नहीं आती है, और इसके में गीला होने के कारण गायों के पैर बहुत रपटते पक्की जगह में, तो उसके लिए पक्की जगह में अगर गाय बांधे तो सीट ज़रूर लगाए। इधर की साइड भी गायों के नीचे सीट लगी हुई है, ऊपर की साइड में हमने फैन लगाए हुए हैं, इधर की साइड पूरे 3 फैन लगे हुए हैं, और इधर की भी साइड 3 फैन लगे हुए हैं। इधर भी 10 गाय है, इधर भी 10 गाय है। तो आइए हम जानते हैं पूरे दिन के रूटीन के बारे में। तो सुबह हम 5 बजे गायों का दूध निकालते हैं, गायों का दूध हम मिल्किंग मशीन से निकालते हैं, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो गायों के दूध निकालने के बाद गायों को हम बाहर छोड़ते हैं, बाहर खुले में छोड़ते हैं, जिससे गाय को चलना फिरना जो करना है वो कर सकती है, तो गाय का जो माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं रहता है, बाहर खुले में गाय दौड़ सकती है। इधर की साइड सुबह गाय को छोड़ते हैं, और इधर की साइड में ये बच्चे हैं, 2 बाउंड्री है, उधर की साइड में जो बच्चे रहते हैं, इधर की साइड में गाय रहती है। और जो राजस्थान से बचकर, जो राजस्थान से मंगलवार के जो भैंस बचती है जिसकी वीडियो बनाता हूँ, वो इधर बनती है। तो सुबह गायों को छोड़ने के बाद
गायों को, एक गाय को एक टप ये जिसमें करीबन 10 किलो माल आ जाता है सुखला गेहूं का भूसा जो खिलाते हैं हम, तो एक गाय को 5 किलो भूसा खिलाते हैं। उसके बाद मक्की, अभी जो हमारे पास मक्की थी तो मक्की की कुट्टी करके डालते हैं। एक गाय को करीबन 10 किलो मक्की की कुट्टी हम डालते हैं, और उस मक्की की कुट्टी डालने के बाद हम करीबन 10:30 बजे तक गायों को बाहर की साइड ही छोड़े हुए रखते हैं, क्योंकि 10:30 बजे तक ये जो अंदर है ये जो गीला कर देती है ये भी साफ़ हो जाता है, ये सूख भी जाता है, तो यहाँ पे कीटाणु भी नहीं होते हैं। तो 10:30 बजे हम वापस इनको अंदर बांधते हैं। अंदर बांधने के लिए हम बस गायों को वहाँ से गेट हटा के छोड़ देते हैं, वो आकर अपनी अपनी जगह पे लग जाती है, फिर बस उनको बांध देते हैं। 4 मिनट का काम होता है। फिर गाय बांधने के बाद फिर कुछ काम रहता नहीं है, तो गाय मस्त आराम से खाती है, फिर आराम करती है। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, तो अभी भी गाय ने सब अभी कुट्टी वगैरह खा के बैठी आराम कर रही है। और शाम के फिर हम 5 बजे दूध निकालने को डेयरी फार्म पे आते हैं। डेयरी फार्म पे आके फिर हम गायों को जो डालते हैं वो है कि एक तो खल, एक टब गला हुआ है, इसको हम खल को गीला करते हैं, मतलब पानी डालते हैं इसके अंदर 4 बाल्टी, और बाकी सब खल डालते हैं। एक जो थैला है वो सुबह और शाम के टाइम में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम खिलाते हैं चैम्पियन की 8000, जो ये है गोदरेज कंपनी की चैम्पियन है, ये हम तानी गायों को खिलाते हैं। बाकी गाबन गायों के लिए अलग है और बच्चों के लिए अलग है, तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। बच्चों के लिए काफ ग्रोअर पशुआर जो हम बच्चों को डालते हैं, और जो गाबन पशु है उनके लिए हम ट्रांजी फिट पशुआर डालते हैं। इस ये गाबन गायों के लिए अलग से फिट है, ये भी गोदरेज कंपनी की है। जो बच्चों के लिए वो भी गोदरेज कंपनी की है, जो तानी गायों के लिए वो भी गोदरेज कंपनी की है। किसान भाइयों, ये सारी फीड हम फिर उस तगारी में तैयार करते हैं, फिर गायों को डालते हैं। गायों को डालने के बाद गायों के थन को साफ करके गायों के थनों में मशीन लगाते हैं। अब मशीन लगाने से गायों के थनों में ना तो कोई दिक्कत आती है, ना थनेला रोग आता है। जो लोगों ने भ्रम बैठा रखा है, जिनके पास नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि गायों को मशीन लगाने से गायों के थनों में दिक्कत आती है, गायों के थनों में से ब्लड आता है। तो हम 4 साल से मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको अभी तक ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है। और अगर मशीन की आपको फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, आपको वीडियो में बताएंगे कि गायों के मशीन लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, आपको फुल डिटेल वीडियो एक बनाकर ज़रूर बताएंगे। तो फिर दूध निकालने के बाद फिर से हम इनको जो है कि गेहूं का भूसा है वो डालते हैं, जो कि 5-5 किलो, क्योंकि 24 दिन भर में हम सुबह और शाम करके 10 किलो एक गाय को गेहूं का भूसा और 10 किलो कुट्टी खिला देते हैं। गेहूं का भूसा डालने के बाद फिर गायों को कुछ भी नहीं किया जाता है। फिर गायों को अगर शाम के टाइम पे सही माहौल है तो गायों को नहलाया जाता है। गायों को नहलाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एक नली लगी हुई है, जिसका कनेक्शन बाहर की जाकर एक ठेल में लगा हुआ है, वहाँ पे एक मोटर लगाई हुई है, वहाँ से पानी आता है, फिर इस नली से गायों को नहलाया जाता है। गायों को नहला कर फिर गायों को छोड़ देते हैं अंदर ही, घर के अंदर छोड़ते नहीं है, बंदी हुई रहती है। फिर गाय सुखला उखला रात भर खाती है, फिर वापस से सुबह दूध निकालते हैं। तो हमारे गायों के डेयरी फार्म में पूरे दिन का यह रूटीन रहता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।